कोलपाल में आई एम स्टिल हियर टू डिस्कस द चार्ट ऑफ कोलपाल विथ यू बिकॉज ऑन कोलपाल देर इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो वेन वी आर टेकिंग ट्रेड्स बेसिकली वी ऑलवेज वॉन्ट टू मैक्सिमाइज अ रिवॉर्ड्स एंड रिस्क तो हम ले ही रहे हैं बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक्स, करेक्ट? तो क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो कोलपाल बिकम्स अ गुड कैंडिडेट फॉर अस टू टेक अ पोजिशन. सो यू नो द ड्रिल, आई मूव ऑन टू द डेली चार्ट. रिमूव द एग्जिस्टिंग ड्रॉइंग्स एंड कैरी ऑन विथ मेकिंग फ्रेश ट्रेंड लाइन्स. ओके, तो द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इज ईजियर एंड क्लियरर टू ड्रॉ विदाउट एनी बायसेस. सो दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू यूज एज द प्राइमरी लाइन एंड देन स्टार्ट क्लोनिंग. तो नाउ व्हेन आई क्लोन द फर्स्ट ट्रेंड लाइन, यू कैन सी कि एक तो कोलपाल ने एक्सपोनेंशियल रैली दी थी सिंस इट गॉट लिस्टेड, एंड बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से वन डायरेक्शन ऊपर में ही जाते हैं, बट कोलपाल इज वन सच स्टॉक. ऑल राइट, लेट्स मेक मोर ट्रेंड लाइन्स बेस्ड ऑन क्लियरर प्राइस एक्शन विजिबल ऑन द डेली चार्ट. सो दैट्स द रेजिस्टेंस, दिस इज अ गुड सपोर्ट. अच्छा, तो बेसिकली ये अपना कोविड का लो आया था जिसने बेसिकली जो इसके अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल आपको दिख रहा है, इस अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल का एकदम लोएस्ट प्राइस इसने बहुत मोमेंटरली टच किया था. एंड इट्स अ वेरी लिजिट ट्रेंड लाइन बिकॉज यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स इट हैज बिन रीटेस्टेड, करेक्ट? ऑल राइट, तो यहाँ पर 1380 इज अ मेजर सपोर्ट विच इज बेसिकली 7% अवे. अ लिटिल बिट टू बिग फॉर अस. कोलपाल बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टेकिंग अ वेरी बिग स्टॉप लॉस ऑन दिस. इट इज यूजुअली नॉट नेसेसरी, राइट? सो कोलपाल इंटरेस्टिंगली इज पार्ट ऑफ थ्री वेरी गुड इंडाइसेस विच एनएससी हैज लॉन्च्ड फॉर अस. द फर्स्ट इंडेक्स इज द निफ्टी नेक्स्ट 50, सेकेंड इंडेक्स इज द निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50, एंड द थर्ड इंडेक्स इज द निफ्टी 100 क्वालिटी 30. सो बेसिकली जो निफ्टी के ये तीन इंडाइसेस है, ये तीनों का पार्ट है कोलपाल, विच इज अ टेस्टमेंट टू इट्स क्वालिटी. सो इफ यू वॉन्टेड टू टेक अ पोजिशन इन दिस स्टॉक राइट नाउ एट द लेवल ऑफ 1480, यू शुड मेंटेन द स्टॉप लॉस एट 1435. अच्छा, लेवल्स में जाने के पहले चार्ट थोड़े और डिटेल्स में एनालाइज करते हैं. तो ये 75 मिनट का चार्ट है. यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर काफी अच्छा सिग्नल दे रहा है, इट्स पॉजिटिव. इन एडिशन टू दैट, सिंस द स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग इन दिसंबर 2022, इट इज द फर्स्ट टाइम कि स्टॉक ऊपर आके वापस 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है 75 मिनट चार्ट पर. दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन. इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट द स्टॉक हैज क्रिएटेड अ न्यू हाई. तो नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग द स्टॉक. दैट बीइंग सेड, डोंट गो इन विद अ लमसम परचेज. वेट फॉर द स्टॉक टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ कूल डाउन. 15 मिनट चार्ट पर भी आप अगर देखेंगे तो आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस तो दिख रहा है. उसके एडिशन में एक और फिनोमेना दिख रहा है विच इज अंडररेटेड बट इज वेरी इफेक्टिव. इसे कहते हैं आरएसआई रेंज शिफ्ट. तो रेंज शिफ्ट क्वालिफाई करने के लिए दो क्राइटेरिया जरूरी होते हैं कि एक तो आरएसआई का सपोर्ट, सॉरी आरएसआई का जो सपोर्ट है वो इम्प्रूव होके बुलिश रेंज में जाना चाहिए. एट द सेम टाइम आरएसआई का रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होके बुलिश रेंज में जाना चाहिए. तो 15 मिनट चार्ट पर कोलपाल के हम देख सकते हैं कि रेंज शिफ्ट हुआ है. रेंज शिफ्ट बट सिर्फ सपोर्ट के साइड में हुआ है, रेजिस्टेंस की साइड में होना बाकी है. इसलिए आई विल सजेस्ट कि मेक स्मॉल पोजिशंस, डोंट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑलरेडी. आपका बाइंग रेंज बेसिकली इसमें होगा 1446 से लेकर ऊपर की तरफ 1500 का. तो इस रेंज में आपको बाइंग करनी है. आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1434 का. सो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 7% से रिड्यूस होकर 3% होता है. एंड क्योंकि 75 मिनट चार्ट काफ़ी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है, इसलिए आई वुड से कि अगर ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है 1434, एग्जिट योर पोजिशन एंड देन मेक अनादर स्टार्ट मेकिंग अनादर पोजिशन, फ्रेश पोजिशन अराउंड द लेवल ऑफ 1381. आपको लग रहा होगा सर 4% ही तो है, वाई बॉदर. इफ यू थिंक अबाउट इट, 4% मैटर्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू बीट द इंडेक्स, करेक्ट? ऑल राइट, सो दैट्स द थिंग अबाउट स्टॉप लॉस ऑन कोलपा. व्हाट अबाउट द टारगेट? सो फॉर टारगेट आई वुड होल्ड आउट. सो इफ यू आर
playing conservative on the stock, I would suggest to go for a target of 1556, which is the base of the previous consolidation. So if you see from the current market price, it does not meet our criteria of entry because the risk reward ratio is slightly less than 3. And I always suggest everyone to maintain a very strict entry criteria. इसलिए मैंने कहा कि लमसम परचेज मत करिए, लेट द स्टॉक कम डाउन. सो ये 3 मिनट का चार्ट है. 3 मिनट के चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस आया है, तो हल्की सी कूल डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो स्टॉक आपको 1463 के लेवल के आसपास दिखे तो मेक योर पोजिशन एंड गो फॉर इट, अक्यूमुलेट. सो इफ यू बाय इट एट द लेवल ऑफ 1463 और यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर एवरेज एंड स्टॉप लॉस ऑफ 2%, टारगेट ऑफ अराउंड 6.7% और 7%, विच मीट्स अ क्राइटेरिया. देन द सेकेंड टारगेट ऑन कोलपाल वुड बी एट द लेवल ऑफ 1632, विच गिव्स अस अ मच मोर कंफर्टेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो.